नमस्कार। तो आज अपन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के ऊपर बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। रिलायंस इंफ्रा की बात की जाए तो आज 5% की तेज़ी देखने को मिले फिर से एक बार। पिछले 3 दिनों के गिरावट के बाद आज स्टॉक में फिर से अपर सर्किट लग चुका है। पर यहाँ पे आप लोग नज़र डालोगे नीचे भी स्टॉक आ जाता तो यहाँ पे 245-250 लेवल जो है सपोर्ट होने यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा के लिए। पर रिसेंटली देखोगे ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है 50 डेज का मूविंग एवरेज, उसका भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लग सकता है। अगर गैप अप से ओपन होता है तो 300 लेवल तक जाने के चांसेस ओपन हो सकते हैं स्टॉक के अंदर। दूसरी तरफ आप लोग नज़र डालोगे तो स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम्स आ रहे वो काफ़ी कम क्वांटिटी के साथ वॉल्यूम्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग नज़र डालोगे पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी कम वॉल्यूम्स आ रहे, जिसकी वजह से मोमेंटम टोटली वीक बन चुकी है रिलायंस इंफ्रा के अंदर। अगर न्यूज़ की भी बात की जाए तो कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं है रिसेंटली रिगार्डिंग रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। तो यही थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस इंफ्रा के लिए।